वैसे यार सीन बड़ा खराब हो गया। मैं जैसे ही फार्मेसी में घुसा हूँ तो नेट ही नहीं चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज संडे है, 22 मई 2022। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल क्या सीन हुआ है। कल कल यही सीन हुआ कि दिन बहुत ख़राब गुजरा जब मुझे पता चला कि सद्दाम बीमार है। तो उससे मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, लेकिन रात को 3 बजे के करीब उसका मैसेज आया कि हाँ यार मेरी तबीयत ख़राब है, दुआ करना। बस इतना ही मैसेज आया उसका, मज़ीद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं उससे मिलूँ, फिर मैं उससे पूछूँ कि उसे क्या हुआ है। बाकी बस उसके लिए दुआ करना, अल्लाह खैर करे। तो हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, मिलते हैं डायरेक्ट ऑफिस में, चलो। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि अभी तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और पहले वीडियो इस वजह से नहीं बनाई कि थोड़ा बिजी था और थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि सद्दाम भाई से अच्छी तरह से बात नहीं हुई थी मेरी। लेकिन जैसे ही उसने मेरा मैसेज देखा तो उसने मुझे कॉल की तकरीबन 10:30 से 11 के बीच। तब हमारी बात हुई थोड़ी देर के लिए। तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसका पता नहीं बेचारे का कोई स्टमक का मसला हुआ है, क्या हुआ है अल्लाह जाने, लेकिन वो उसे काफ़ी दर्द हो रही है। तो बस अल्लाह शिफा दे उसे, जो भी देख रहा है उसके लिए दुआ करे प्लीज़। बाकी बस नमाज का टाइम हो गया, जाते हैं, कुछ अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह खैर करे, अल्लाह हर किसी को सेहत तंदुरुस्ती दे भाई, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप ढेर सारी दौलत किसी के सामने ला के रखते हो ना, किसी बीमार आदमी के सामने, तो सच्ची नहीं लगेगी। बोलेगा यार मैं बीमार हूँ, मैंने क्या करना है इसका। खैर अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी में ऐसे मसले तो आते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों मैं बीमार था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से बीमार नहीं था जिस तरह से सद्दाम है। तो बस अल्लाह उसे शिफा दे, बाकी देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों अभी मेरी बात हुई है सद्दाम भाई से। तो सद्दाम भाई बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बेहतर हूँ, ठीक हूँ अब, बाकी अल्लाह उसे शिफा दे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना कभी कभी, लेकिन दवा में असर नहीं होता, दुआ में ज्यादा होता है, तो करनी चाहिए। हमारे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि सद्दाम भाई से बात हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सद्दाम भाई की तबीयत काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसे शिफा दे। और बाकी अभी टाइम हो गया है हमारी छुट्टी का और हमने अपने भांजे के लिए लेना है दूध, खुराक है ना उसकी। तो हमने अपने भांजे के लिए लेना है दूध, तो हम अभी निकलते हैं किसी फार्मेसी से जाके या सुपरमार्केट से जाके उसके लिए लेते हैं दूध और सीधा जाते हैं घर और फिर खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं। अभी तक तो वही सीन है, बाकी देखते हैं क्या होता है, चलो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए फार्मेसी के पास, लेकिन फार्मेसी है रोड के उस पार और हम हैं इस पार, क्योंकि सिग्नल्स पड़ जाएंगे बहुत सारे अगर हम लोग गाड़ी के साथ गए तो। गर्मी बहुत है, मूड नहीं है, तो इससे अच्छा मैं पैदल सड़क क्रॉस करके दूध लेके आता हूँ, ठीक है चलो। तो हम लोग आए हैं सदलिया यास्मीन पे, यास्मीन की सदलिया पे आए हैं हम लोग। ये फार्मेसी यासीन की है या यासीन के बाप की है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जाते हैं अंदर। बड़ा खराब सीन हो गया, मेरे पास वो फोटो ही नहीं है जो दूध लेके आना है मांझे के लिए, वो दूसरे मोबाइल में, और मैं इस मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हुआ जा रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चलो मोबाइल वगैरह ले लिया, अब वापिस हम लोग जा रहे हैं सदलिया यास्मीन, चलो। ये हम लोगों ने ले लिया है अपना। वैसे यार बड़ा खराब सीन हुआ है, जैसे ही मैं फार्मेसी में घुसा हूँ, इस फार्मेसी में
तो मेरा नेट ही नहीं चल रहा था, बाद में मुझे पता चला कि मेरा पैकेज ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से फ़ोटो लोड नहीं हो रही थी। लेकिन शुक्र है थोड़ी थोड़ी वो जो नज़र आती है ना, नज़र आ रही थी तो नाम पता चल गया, नाम पता चल गया तो हम लोगों ने ले लिया है। चलो ये रहा हमारे भांजे का दूध, क्या नाम है इसका, रोनालैक। तो अगर आपके पास भी बच्चे हैं तो अपने बच्चों को ये पिलाएं, कितने का है यार। अगर आपके पास भी बच्चे हैं तो उनको, बहुत महंगा यार, बहुत महंगा। अगर आपके पास भी बच्चे हैं तो उनको लेके दीजिए रोनालैक। नाइस। बाकी अब वही सीन है पुराना वाला, के घर जाते हैं, आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो चलो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चलो जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि अभी 4:02 हो रहे हैं और असर की अजान हुई है, अभी नमाज खड़ी हो गई है। तो हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं और डायरेक्ट निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो मुलाकात होती है फिर ऑफिस में ही। चलो अभी ऑफिस पहुंचे हैं तो हमारे साथ ये सीन हुआ है। ये सीन वैसे दोपहर को ही हो गया था, ये डंडा टूट गया है, इसको इसके साथ लगाना है। इससे हम लोग शटर अपना डाउन करते हैं दुकान का, ऑफिस का, अब इसे जोड़ना पड़ेगा। बड़ी कोशिश करके मैंने बोतल लगा के ऊपर प्लास्टिक की पिघलाया उसे आग के साथ, लाइटर के साथ, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये तो हमारा आइडिया हो गया है फेल, अब कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। इधर तो आग जला जला के मेरे लाइटर की हालत खराब हो गई है, ज्यादा पक्का काम तो नहीं कर सके हम लोग, लेकिन गुजारे लायक हमने काम कर लिया है। अब इससे हम लोग शटर जो है नीचे कर सकते हैं, ऊपर तो हम खुद ही कर लेंगे। चलो अंजी, तो हमारे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि अभी पूरे 5 बज रहे हैं और जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने पहले पहले क्या काम किया ऑफिस में आती, हम लोग डंडा बना रहे थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि काम तो काम है, कुछ भी हो सकता है। और अभी एक बंदा आया, मैसेज कर लो तुम लोग, पहले वीडियो मत बना देना। तो एक बंदा आया शिपमेंट लेने के लिए, जब वो एंटर हुआ एकदम से उसे, उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था, बोलता जब बंदा ऑफिस में आता है बाहर से कितना मजा आता है ना, ऐसे ठंडी ठंडी हवा। मैंने बोला ये मजे लेने के लिए मैं बार बार बाहर तो नहीं जा सकता ना, मुझे ऐसे देखना शुरू हो गया। मैंने उसे बोला ठीक है, फिर उसने अपना सवाल लिया और चला गया। तो और क्या, मैं बाहर तो नहीं जा सकता ना, मतलब बार बार कि मुझे ठंडी हवा फील हो तो मैं बार बार बाहर जाऊं, गर्मी में क्यों जाऊं भाई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है सही है, और अल्लाह आप लोगों का भला करे। कल का व्लॉग एडिट करना बाकी है, लेकिन कल का व्लॉग कुछ खास बनाया नहीं था क्योंकि सद्दाम भाई की तबीयत खराब थी। आप लोग सोच रहे हो कि तबीयत उसकी खराब थी तो व्लॉग तेरा क्यों नहीं आया, तेरा क्या उससे लेना देना, दोस्त है भाई मेरा, दोस्त है, दुख हो रहा था मुझे, सही बात है जो। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, काफी बेहतर है पहले से, अल्लाह उसे शिफा दे। तो बस बाकी इंशाल्लाह, कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बाहर जाके वीडियोस बनाओ, तो इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे भाई, कमिंग सून, बस थोड़ा सा वेट कर लो इंशाल्लाह, ठीक है ना। बाकी मैं मिलता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। चलो हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि अभी 8:13 हो रहे हैं और अभी मैंने सद्दाम भाई से बात की थी, सद्दाम भाई की तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी ने बेचारे को कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लेके दिया, और सद्दाम भाई के पास बेचारे के पास गाड़ी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ड्यूटी खत्म करके सद्दाम भाई के पास जाएंगे, उनको सामान लेके देंगे, लेकिन वीडियो नहीं बना सकूंगा क्योंकि उसकी अम्मी भी साथ होंगी, सो वीडियो नहीं बना सकूंगा उसके लिए, सॉरी। इंशाल्लाह अकेले में मिलेंगे तो वीडियो बनाएंगे। बाकी इधर से ऑफिस का काम वगैरह कुछ पेंडिंग है वो सुबह करूंगा, और कुछ अभी अपडेटिंग वगैरह करके तो ख़त्म करके हम लोग निकलते हैं, सही है। तो
आज का व्लॉग साथ ही साथ मैं यहीं बैंड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे व्लॉग नहीं बना सकूँगा, उसके लिए सॉरी। और आगे इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और ये मक्खी ने जलील किया हुआ है यार, क्या यार। खैर, अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो यार, तीन लोगों के साथ शेयर किया करो, उनको बोला करो और आगे तीन लोगों के साथ शेयर करें, ऐसे ही तो तरक्की होगी ना, कुछ ख्याल करो। खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।